आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं अपने सभी फ्लाइंग टॉयज यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। बेसिकली इस वीडियो का पार्ट वन है जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर तीन अपने फ्लाइंग टॉयज दिखाने वाला हूँ और ये वीडियो पार्ट फोर तक जाने वाली जहाँ पर बहुत सारे आपको फ्लाइंग टॉयज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है गाइस। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, इस वीडियो को आप लोग अभी से लाइक कर दो और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर तीन हेलीकॉप्टर है, पहला हेलीकॉप्टर वो है एक्सीड, दूसरा है गाइस स्काई स्टार, तीसरा है वी मैक्स कह सकते हो उसे या फिर HX713 जो कि इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, ये तीन हेलीकॉप्टर मेरे पास यहाँ पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाइस अपने सबसे छोटे हेलीकॉप्टर से। जी हाँ, ये है गाइस हमारा सबसे छोटा और प्यारा सा और सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर जो कि मात्र 300 रुपये में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी मार्केट से आप लोग परचेज कर सकते हो। और ये हेलीकॉप्टर बहुत छोटा है और इसका कंट्रोल भी बहुत कम है, इसमें बस एक स्टार्ट का और अप डाउन का ऑप्शन है। ठीक है, मतलब सबसे पहला बटन है स्टार्ट का जो कि आप डाउन भी जिसे कह सकते हो इसी को दबाने से हेलीकॉप्टर नीचे आता है, और ये वाला बटन है जिससे हेलीकॉप्टर आपका ऊपर जाता है। इसे चलाने के सिंपल करना कुछ नहीं, जैसे आप इसे ऑन करोगे ये हेलीकॉप्टर आपको चालू हो जाता है और यहाँ पर रिमोट आपको बटन मिल जाएगा जिसे आपको ऑन करना है, एंड इस वाले बटन को जब दबाते आपका हेलीकॉप्टर जो है इस तरीके से बंद हो जाता है और इस वाले बटन को दबाने से हेलीकॉप्टर आपका ऊपर जाता है। बाकी आपको फ्लाई कैसे करना है आप इस वीडियो को देख लो। तो यार ये हेलीकॉप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। ठीक है, और ये हेलीकॉप्टर गाइस काफी ज्यादा छोटा और सस्ता हेलीकॉप्टर है और टिकाऊ भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आप पहली बार कोई फ्लाइंग टॉय ले रहे हो तो आप लोग इस हेलीकॉप्टर को जरूर से ट्राई करना। और ये मेरा भी गाइस हेलीकॉप्टर की तरफ मैं यहाँ पर बढ़ता हूँ। ठीक है, जिसका नाम है स्काई स्टार जो कि हेलीकॉप्टर काफी छोटा है लेकिन इसके जो प्रोपेलर काफी बड़े हैं। ये हेलीकॉप्टर आपको 1200 रुपये में ऑनलाइन मार्केट में मिलेगा, ऑफलाइन में तो इसका नाम निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हेलीकॉप्टर जो है वेलोसिटी हेलीकॉप्टर का छोटा सा बच्चा है। ठीक है, और इसमें गाइस है क्या, ऊपर के जो इसके प्रोपेलर है वो है वेलोसिटी हेलीकॉप्टर के और जो नीचे का जो इसका पार्ट है वो है गाइस इसका खुद का, लेकिन इसमें भी जो डिजाइन है वो पूरे वेलोसिटी का आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके कंट्रोल भी काफी ज्यादा सिंपल है, सबसे पहले आपको इसे ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के बाद इससे इंडिकेटर यहाँ पर जल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑन का स्विच मिलेगा। ठीक है, जिसे आपको क्लिक करके ऑन कर लेना है। थ्रोटल का आपको एक बार करना है ऊपर एक बार नीचे और फिर ये हो जाएगा हमारा चालू और इसे नीचे करने से बंद हो जाएगा। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको दो ट्रिमिंग कीस लेफ्ट राइट। ठीक है, और ये आप हेलीकॉप्टर को लेफ्ट और राइट ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वन की टेक ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा जिसे दबाते आपका हेलीकॉप्टर वन की टेक ऑफ कर देगा और इसे दबाने से फिर बंद हो जाएगा। और यहाँ पर चैनल स्विच का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा सिंपल रिमोट है आपका। ठीक है, और इसमें ऑप्शन काफी सारे मिल जाते हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा सही चीज लगी। ठीक है, बाकी मैं इसे ऑफ करता हूँ। इसे फ्लाई कैसे करना है वो आप लोग इस वाली वीडियो को देख करके समझ सकते हो। तो मैं इसे रख देता हूँ। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर गाइस बात करते हैं अपने अगले हेलीकॉप्टर की, HX713 जिसे वी मैक्स के नाम से भी जानते हो। एंड ये वाला हेलीकॉप्टर लिटरली काफी ज्यादा सही एंड इसके जो कंट्रोल है वो काफी ज्यादा बढ़िया। हमारे इन तीनों दोनों से सबसे ज्यादा महंगा है। ये वाला हेलीकॉप्टर हमारा 300 का मिलता है, वहीं ये 1200 का, और ये वाला हेलीकॉप्टर आपको 1500 रुपये का मिलता है ऑनलाइन मार्केट में। ठीक है, ऑफलाइन मार्केट की प्राइस 1300 से 1400 के आसपास, आप लोग जाके अपने आसपास के किसी शॉप पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी वाला जो हेलीकॉप्टर वो काफ़ी सिंपल है एंड काफ़ी बढ़िया मुझे लगता है, इसके कंट्रोल भी काफ़ी सही है। इसमें आपको नीचे के साइड आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा जिसे आपको ऑन करना है, ऑन करते इस तरीके से यहाँ पर लाइट जल जाएगी और रिमोट का कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको इसे ऑन कर लेना है। ठीक है, ऑन करने के बाद थ्रोटल को आपको ऊपर करना है तो ये सीधे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो और ये काफ़ी ज़्यादा गाइस स्मूथ उड़ता है, देख सकते हो आप लोग, ये आप लोग देख के समझ सकते हो। ठीक है, और ये गाइस इसके दो ट्रिमिंग कीस आपको मिल जाते हैं, लेफ्ट ट्रिमिंग की और राइट ट्रिमिंग की। ठीक है, और ये हेलीकॉप्टर को लेफ्ट और राइट ले जाने वाला थ्रोटल है, ये चैनल स्विच वाला है। ठीक है, चैनल स्विच कर दोगे तो ये नहीं चलेगा और जब इसी चैनल पर आओगे तब ये मस्त चलेगा। ठीक है, इस और देखते हैं ठीक है, देखते हैं गाइस मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, हेलीकॉप्टर हमारे वहाँ पर है, अभी भी कंट्रोल में है।
फिर अभी भी देख सकते हो आप लोग कंट्रोल में है इस तरीके से, ये कुछ इसका फंडा है। एंड यहाँ पर आप इसे चार्ज भी कर सकते हो। जी हाँ, इस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर आपको एक और फीचर मिल जाता है जो है चार्जिंग का, जो कि आपको सभी हेलीकॉप्टर से नहीं मिलता है। एंड इसे आपको नीचे करना है, ठीक है। और नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको एक मिल जाता है इसका छोटा केबल कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसे आप लोग अपने हेलीकॉप्टर के यहाँ पर पीछे लगा करके इसे कर सकते हो चार्ज। कुछ बंद कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर। अगर गाइस मैं तीनों हेलीकॉप्टर्स की बॉडी की बात करूँ तो फुल्ली आपको प्लास्टिक बॉडी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। इसकी भी आपको पूरी प्लास्टिक बॉडी मिलती है, बाकी इन दोनों की प्लास्टिक बॉडी मिलती है। प्रोपेलर्स की क्वालिटी की बात करूँ तो सबसे बढ़िया प्रोपेलर्स की क्वालिटी इसकी है। एंड देन आपको इसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाएगी, बट इसकी जो प्रोपेलर्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितनी बार टकराया लेकिन ये टूटा नहीं है, ठीक है। हल्का फुल्का यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर निशान पड़ गए हैं, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है वो टूटा नहीं है। इस हेलीकॉप्टर को मैंने गाइस लिटरली सबसे ज़्यादा फ्लाई करा है। एंड गाइस मैं बात करूँ मेरा सबसे पहला हेलीकॉप्टर इनमें से कौन सा था, तो यार ये वाला जो हेलीकॉप्टर था वो मेरा फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर था। एंड देन इसके बाद मैंने वेलोसिटी को बाय किया था, उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर ये वी मैक्स हेलीकॉप्टर बाय किया था। तीनों का आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे आपको फ्लाई कुछ करना है, ठीक है, उन सबकी। तो वीडियो अगर आप वीडियो में अभी तक बने हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो। और गाइस पार्ट टू में आप कौन कौन से हेलीकॉप्टर को देखना चाहते हो कमेंट करके बताना, बाकी पार्ट टू आपको 2 से 3 दिन के बाद मिल जाएगी। तो वीडियो फटाफट एक लाइक कर दो और 100 लाइक्स का एम रखते हैं, आई होप आप लोग कंप्लीट करा दोगे। सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।